Let's move on to H8. Bhagat Kishan Singh was an Indian revolutionary and a legendary hero of Indian freedom struggle, who saw a rise in his popularity in the late 1920s after the death of humongous popular regional leader of Punjab, Lala Lajpat Rai, and played a huge role in parliamentary bombing, assassination of John Saunders, and in the Lahore conspiracy case. He was hanged along with Rajguru and Sukhdev on trial under the charges of Lahore conspiracy case, and was hanged suspiciously before the set time and date of execution to avoid the outrage expected regarding their death sentence. Such was his popularity. Hostel 8, time accompanist? No. Lights and sound? Do you guys need to move the production there? As of now, before starting the slot. Are you ready to start the slot? Hostel 8, Hostel 8, your time starts now. In the court of Lahore Conspiracy Gas Tribunal, Bhagat Singh, son of Kishan Singh, Shivaram Rajguru, son of Hari Narayan, Sukhdev Thapar, son of Ram Lal Thapar, prisoners in the Lahore Conspiracy case, having been found guilty by us of offence under Section 121, 302 and also under Section 4B of the Explosive Substance Act, and is hereby sentenced to death. The said execution is to be carried
by causing the said Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev to be hanged by the neck until they be dead. भाइयों, जेल में बढ़ते हिंदुस्तानियों को देख ऐसा लगता है जैसे क्रांति और हिंसा को ले रखी है। अरे सुनो, तुम लोगों का अब जेल में आना जाना बंद और ना ही यहाँ से भागने की कोशिश करनी पड़ेगी। तुम्हारी फांसी के ऑर्डर आ गए हैं। अपने आखिरी कुछ पल गिन लो। भगत, सुखदेव, चलो इन अंग्रेजों को एक बार फिर एहसास करा दें कि भारत माँ के पुत्र किस माटी के जने हैं। सर उठा के देख को हिंदुस्तान की वसुंधरा में अर्पित करने के क्षण से बेहतर क्रांति का अंत क्या हो सकता है? सुखदेव, ये क्रांति का अंत नहीं, महज हमारे शरीर का अंत है। ये क्रांति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम जैसे और इनकलाबी जिंदा है। इन जैसे कितने ही कैदियों को मैंने अपनी 20 साल की नौकरी में फांसी पे चढ़ते देखा, पर शायद ही किसी को अपनी मौत के पैगाम पे मुस्कुराते हुए देखा था। जब से ये लोग आए थे मुझे लग गया इनमें कुछ तो अलग बात है। अब आज सुबह ही वही जेल का रूटीन शुरू हुआ, शाम होते होते ऑर्डर आए कि हर कैदी को अपने अपने सेल में डाल दो, कि तभी अचानक जेलर साहब आए और मुझसे अपनी वही टूटी फूटी हिंदुस्तानी में बोले, शहीद उन तीनों बागियों की फांसी आज ही होगी, उन्हें तैयार करो। मैं चौंक गया। अरे ना तो मैंने कभी देखा था ना सुना था कि किसी को शाम के वक्त फांसी हुई हो। अरे क्या गलतियां थी इनकी, क्या गुनाह थे इनके जो इनसे इनकी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछने वाले थे। इनके इन्हीं गुनाहों या इनकी नजर में क्रांतियों को जानने के एक सफर पे मैं ब्रिटिश पुलिस में एक हवलदार आपको लिए चलता हूं। तो बात है आज से 3 साल पहले की, साइमन गो बैक आंदोलन उफान पे था। हुकूमत और मुझ जैसे सरकारी नौकरों के लिए भी बड़ा ही मुश्किल वक्त था। अरे जगह जगह हमले हो रहे थे कि तभी पंजाब में लाला लाजपत राय ने एक रैली निकाली। उस रैली में पूरे पंजाब से अनेकों लोग इकट्ठा हुए। हमको ये कमीशन स्वीकार नहीं है। हिंदुस्तानियों के लिए बनी इस कमीशन में एक हिंदुस्तानी नहीं है। वी माइट हैव टू अटैक देम। सुनो, शासन को अपना काम करने दो और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। अंजाम बुरा होगा। साइमन वापस जाओ, हम इस आयोग की स्थापना ही नहीं होने देंगे। सैनिक्स, आई कमांड, हिट देम, टेक देम आउट। साइमन, गो बैक, साइमन, गो बैक, साइमन, साइमन, गो बैक, साइमन। साइमन गो बैक आंदोलनकारियों पर हुआ लाठीचार्ज पंजाब के श्री लाला लाजपत राय की मां। लेकिन इतना समझ चुका हूं कि गांधी के
गांधी सिद्धांतों पे और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। दुश्मन इंसान को मिटा सकता है, आदर्शों को नहीं। अब लालाजी के आदर्शों से लहू को सींचेंगे और कुछ भी हो जाए हमें हमें इस मकसद से पीछे नहीं हटना है। दूसरों के दर्श को यह सांस नहीं गंवाना मुझे। जी करता है अगर जीखे में उसके कुछ पिस्तौल उस पर डाल दूं। नहीं राजगुरु, नहीं। दिमाग को शांत रखो चंद्रशेखर। राजगुरु की आप जायज है और जरूरी भी, लेकिन हमें इसे एक दिशा दे। स्कॉट का मस्तक तो हमें चाहिए, लेकिन हमें होशियारी से काम लेना। स्कॉट बड़े अधिक ऑफिसर है, उसे मारना आसान नहीं होगा। चारों तरफ हमेशा उसके रोल हमेशा रही हमेशा रही। तो दो हफ्तों में लॉर्ड इरविन के कुछ खास मेहमान भारत आने वाले थे। उन्हीं के सम्मान में एक शाही परेड होने वाली है, जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा व्हाइट कॉलर अफसर बिना कॉलर की कमीज पहन सेंट्रल मैदान पर निहत्ते पसीना बहाने वाले थे। भगत सिंह के इस कदम ने ब्रिटिश सत्ता की नाक खत्म कर दिया। भगत सिंह और उनकी एचएसआरपी का अगला कदम क्या होने वाला था, इस पर तो पूरे देश की नजर थी। पर किसी को भी ये अंदेशा तक नहीं था कि भरी असेंबली में विजिटिंग गैलरी से बमबारी कर दी जाएगी। अब अंग्रेज तंग आ गए। अंग्रेजों ने भी ठान लिया, इसीलिए लाहौर षड्यंत्र कांड में उन्होंने भगत सिंह को बंदी बना लिया। Hold that! Open the shell for this bloody Indian scum! बारूद कहाँ है तुम्हारा? बारूद कहाँ है? You know that's illegal. ना बारूद है ना हथियार, बिना चोर के जेल में डालना illegal है साहेब। Shut up! You boys are so very dead. तो इसी प्रकार शुरुआती कुछ दिन तो रिमांड पे गुजरते रहे। ये भी कोई खाना है? तुम साले अंग्रेजी कुत्ते, इन अंग्रेजों के तन में चाट चाट के ही तो बड़े हुए हो। अबे सुन, खाना हो तो खा ले, वरना भूखा मर जाती तो सिर्फ डंडे खाएगा यहाँ पे। What the hell is happening here? Sir, this prisoner over here wants good food. Remind this bastard who he is. This is jail, and the jail is governed by law, sir. The law is same for everyone. कहना क्या चाहते हो? इन अंग्रेजों को हर तरह की सुविधा दी जाती है। हम हिंदुस्तानियों के साथ कुत्तों से ही बदतर बर्ताव किया जाता है। ये कपड़े सालों से बदले नहीं गए, ये खाना जिसपे कीड़े मकोड़े कूदते हैं, अरे कम से कम दाल रोटी देते तो खाने लायक दो। जेल इज गवर्न्ड बाय लॉ सर, एंड लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और तुम्हें यही खाना खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। Bring this man out. I want to give him a lesson. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। बाजुए का दिल में है, lock this बाजुए का lock दिल में है। And don't discuss anything, any food. फिर आती है दिल दहला देने वाली खबर चंद्रशेखर आजाद की मौत की, और शुरू होती है इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़ताल। ये ले, खाना खा ले। वैसे भी तेरी इन बातों का किसी पे कोई असर नहीं होने वाला, खुद तो मरेगा और दूसरों को भी लेके मरेगा। जब तक हम हिंदुस्तानियों को पहनने के लिए साफ कपड़े, खाने के लिए सही खाना, पढ़ने के लिए अखबार किताबें नहीं मिल जाती, तब तक ये हड़ताल नहीं रुकेगी। तो ये आदमी अफीफी इसके नॉनसेंस स्ट्राइक पे अड़ा है। Hey, you two boys, beat him and feed him now. If he struggles, beat the shit out of him now. अभी तो सिर्फ 15 दिन बाकी है।
तुम्हारी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए अगर मुझे हड्डियां भी तोड़नी पड़े ना तो मैं वापस पीछे नहीं आऊंगा। जैसे भारतीयों का ये प्रताड़नाएं दिन पर दिन होती थी और हम करते थे, और इसी प्रकार मुझ जैसे भारतीयों का अंग्रेजों के लिए काम करना, उनके सामने घुटने टेक देना या यूं कहूं गुलामी स्वीकार लेना, इसे मजबूरी का नाम देकर अनेकों स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी खेमे में कुछ बंदूक तान देना तो वहां भरी असेंबली में बम भी, और अब 116 दिनों तक हट समान भूख हड़ताल, ऐसे अदम्य साहस से भरे कारनामों को न तो किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और न ही देश की आजादी में इनके योगदान पर प्रश्न चिन्ह उठाने लायक गुंजाइश। आज 23 मार्च 1931 की शाम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाते वक्त मेरी आंखों में आंसू शायद न हो, पर अपनी कायरता पूर्ण हरकतों का इल्म नासूर से कम नहीं।